तेरी आई मर चुकी है दर्पण, मर चुकी है दर्पण। अब वो कभी रात को नहीं आएगी। दर्पण, ये झूठ नहीं है दर्पण। पर आप तो अभी मेरे पास हो। मैं पास हूं भी और नहीं भी दर्पण। आई अब गनू साहब के पास चली गई है। तुम्हें याद है गनू साहब तुम्हारे भाई को ले गए थे, वैसे ही अब वो आई को भी ले गए। आपने गणेश को वापस भी तो दिया था मेरा भाई बनाकर, तो क्या आप भी मेरे पास वापस आ जाओगी? नहीं बच्चा, पर तुम अकेले नहीं हो दर्पण, आई हमेशा तुम्हारे पास होगी। आई ने तुम्हें बताया था ना कि जो लोग गनू साहब के पास चले जाते हैं वो फूल तारे पंछी बनकर हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। तो जब भी कोई फूल खिलेगा तो समझना कि आई मुस्कुरा रही है। जब भी कोई चिड़िया गुनगुनाएगी तो सोचना कि आई तुमसे कुछ कह रही है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बात तुम तारों से कह देना, आई भी सुन लेगी। फिर आई की याद आए तो चांद को देख लेना, उसके चेहरे में तुम्हें आई का चेहरा दिखाई देगा। गनू साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना है। वो तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। तुम हमेशा उन पे भरोसा रखना।